Say something about Pakistan. Pakistan zindabad. Zindabad. माशाल्लाह ये लगा हुआ जी यहाँ पे जापानी पार्क इम्पोर्टेंट पॉइंट है टूरिज्म के हवाले से। यहाँ पे जंक्शन ऑफ थ्री हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, ये वो जगह थी और ये छत पे हमारे रूम्स जहाँ पे हम रात रुके। तैयारी करके निकल रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह नाश्ते के लिए। ये था खूबसूरत सा बाजार जगलोड का जहाँ पे हम रात स्टे किए। सुबह का आगाज़ हो चुका है और वो सामने पहाड़ी सिलसिला और नागा पर्वत का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद पहाड़ियाँ। नाश्ता यहाँ से करते हैं कोयटाल मंसूर कैफे से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता मिलेगा ना भाई? बिल्कुल मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर। ये आ गया जी हमारा आमलेट माशाल्लाह, खुश्क सी रोटी और पराठा नुमा, यही आज हमारा नाश्ता। रात बहुत गड़बड़ हो गई, हमने लगाए थे मोबाइल चार्ज लेकिन यहाँ की लाइट जो है वो बिल्कुल खराब बंद हो गई, उसकी वजह से अब मोबाइल बिल्कुल बंद पड़े हैं और गोप्रो ही थोड़ा सा ऑन था, उसी में अब हल्का फुल्का ब्लॉग बनेगा सस्सी तक, यानी यहाँ से जो नेक्स्ट शहर है कोई तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर है वहाँ तक हमारा सफ़र इसी तरह जाएगा। ओके भैया बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया नाश्ते का। अब निकलते हैं अपने सफ़र पर। ये रही हमारी साइकिल, जेब भी खाली हो रही थी वो यहाँ से थोड़ी सी गर्म की है, अब सफर पे निकलते हैं। माशाल्लाह जगलोड़ से निकलते ही सामने देखे जी नज़ारा, एक दफ़ा हमें ये मिलेंगे खुश्क पहाड़ और इसके पीछे छुपे हुए हैं बर्फ़ से ढके हुए ठंडे पहाड़। खैर यहाँ तक का सफ़र इन पहाड़ों तक का तो मज़ेदार गुजरेगा, आगे जाके हमें अपनी ड्रेसिंग भी चेंज करना पड़ेगी। पहाड़ों के इस जंगल में ये बहुत ही ख़ास पॉइंट है। जगलोड से हम 3 किलोमीटर बाहर आए हैं तो वो जो सामने ब्रिज आ रहा है इसे कहते हैं प्रताप ब्रिज, जो कि ज़रूर रीबिल्ट हुआ होगा लेकिन ये काफ़ी हिस्टोरिक ब्रिज है। उसके बाद इसी पॉइंट पे थोड़ा सा आगे दरिया हुंजा जो है वो दरिया सिंध में गिरता है, वो भी यही पॉइंट है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो तीनों पहाड़ी सिलसिले जो पाकिस्तान के यानी कराकरम को हिंदूकश और हिमालिया जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। इस साइड से आ रहा कराकरम वो वाला हिंदूकश और वो बैक साइड से आ रहा है हिमालिया, जिसके ऊपर सफ़ेद बर्फ़ अभी भी आपको शायद वो कॉर्नर में नज़र आ रही हो। और ये तीन सिलसिलों का जो मिलने का पॉइंट है उसको मोनूमेंट दिया गया, 3 पॉइंट्स मीन 3 पहाड़ी सिलसिले। माशाल्लाह अच्छा व्यू पॉइंट है। माशाल्लाह इस टूर में हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स देखने को और दिखाने को मिल रहे हैं। वैसे तो हम ट्रैक कर रहे हैं सीधा यहाँ से स्कर्दू की तरफ इंशाल्लाह, लेकिन जो रस्ते में पॉइंट्स आते हैं उनके बारे में इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको सब ज़रूर शेयर करेंगे मज़ीद। और ये जी रोड इंडिकेशन है, खपलू और स्कर्दू जो है हमें राइट साइड को ले जाते हैं और ये रोड सीधा सीधा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ हो जाता है। चूँकि हमें जाना है स्कर्दू जो कि यहाँ से तकरीबन 170-169 किलोमीटर है, तो हम जाएंगे राइट साइड पे। ये भाई सही मज़े ले रहे हैं ना ठंडे मौसम में इंजन की गर्मी। वो सामने मीटअप है दरिया हुंजा और गिलगित का, हम वो पूरा राउंड लेके यहाँ तक आए हैं। इतने इतने बड़े पहाड़ हैं कि ट्रक कुछ भी नहीं लगता है इनमें। गर्मी काफ़ी ज़्यादा आज इस ट्रैक पे हमारे, बल्कि अब देखते हैं कहाँ तक रहती है क्योंकि हम जा रहे हैं ऊंचाई की तरफ और वहाँ पे ऑब्वियसली मौसम ठंडा ही होने वाला है। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सस्सी क्रॉस करने के बाद हमें रास्ते में ये मिला है एक होटल, यहाँ पे हमने की है खड़ी साइकिल और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी है। चाय पानी करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह अपना अगला सफर जो है कंटिन्यू करेंगे, कुछ रेस्ट हो जाएगी। काफ़ी लंबा ट्रैवल किया यहाँ से जगलोड से डायरेक्ट यहाँ आके ब्रेक लगी है हमारी बिजली की तलाश में। और ये आ गई थी हमारी चाय माशाल्लाह, चाय शाय हमने अल्हम्दुलिल्लाह पी ली यहाँ से। और वो सामने नज़र पड़ी है फ्रूट वाले दरख्तों पर, वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं फ्रूट यहाँ इस इलाके के। माशाल्लाह ये लगा हुआ जी यहाँ पे जापानी फल, क्या कहने, उतने पत्ते नहीं हैं जिसको जितना इसके ऊपर फल लगा हुआ है। ओए होए तोड़ने को दिल चाह रहा है लेकिन यहाँ पे
कोई मुतलका बंदा नहीं है इसलिए इसको हाथ नहीं लगाएंगे, चलते हैं वापस। इसके अलावा भी अंदर पौधे लगे हुए हैं लेकिन ये प्राइवेट प्रॉपर्टी टाइप की जगह तो अंदर इंटरेस्ट अच्छी बात नहीं है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। इन भाई के साथ गपशप हो रही थी, बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ से होटल से निकलते हुए बैक साइड पर जो व्यू नज़र आ रहा है वो बादलों के अंदर से राकापोशी का मंजर है, और हमारा ये इस रास्ते पे मज़ीद आगे ट्रैवल है और काफ़ी लंबा ट्रैवल है, 136 किलोमीटर अभी कर दो यहाँ से बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी जो है 45% हो गई है, आधा एक घंटा यहाँ पर रुके हैं और रेस्ट भी हो गई, अब निकलते हैं इंशाल्लाह। मोबाइल के साथ साथ हमारी भी बैटरी जो है वो फुल हो गई है। बाकी का सफ़रनामा हमारा ये जो आ रहा है जी दरिया सिंध, अल्लाह अकबर, खुले पानी के साथ, और ये देखें नज़ारा। आगे भी रोड तकरीबन इसी तरह सारा का सारा। काफी ऊंचाई चढ़ने के बाद साइकिल खड़ी की हमने यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम यार, सब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, सेट रहना चाहिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, और लाला सब ठीक है? और भाई यहाँ पे खा रहे थे खाना, उन्होंने हमें भी यहाँ पे दावत दे दिए खाने की, तो अब इनके साथ खाना खाते हैं उसके बाद निकलेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब भाइयों के साथ बैठ के यहाँ पे गपशप भी, खाना शाना भी खाया, बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया यार आप सब लोगों के टाइम का और इस दावत का, बड़ा मज़ा आया खाने का। हमारे सारे ट्रैवल में आपने रास्ता हमारा देखा, और इन पहाड़ों के साथ इन पहाड़ों को काट के जो रास्ता बनाया जाता है वो इन्हीं सब भाइयों की बदौलत है, इन्हीं की मेहनत है माशाल्लाह। और सहूलियात के नाम पे इन्हें दिया गया ये खेमा, जहाँ इन्होंने सोना भी है, खाना भी है और पकाना भी है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। ओके भाई, ओके भैया, ओके छोटे भाई, अल्लाह आपके लिए यार आसानियाँ पैदा करे मज़ीद, और हमें भी दुआ में याद रखें। ओके भाई, सलाम अलैकुम। और सफ़र का दोबारा से आगाज़, दरियाए सिंध और उसमें गिरने वाली इतनी मिट्टी, यही वह वजह है कि दरियाए सिंध का पानी जो है वो इतना गदला गदला मैला मैला है, वरना आता सारा चश्मों से ही है। और ये देखे सामने पहाड़ हमारे रास्ते में, ऐसे लग रहा जैसे एक ही पत्थर है सारा का सारा। रोड पर आपने ज़िगज़ैग्स तो बहुत देखे होंगे लेकिन ये सबसे ऊपर है। और आज के ट्रैवल में तो हमारा साया भी हमसे आगे जा रहा है, साहब लोग इतना स्लो जा रहे हैं हम। तकरीबन 12 बजे हमने सस्सी क्रॉस किया था, तो वहाँ हमें इस तरह की हरियाली नज़र आई थी, और उसके बाद अब तकरीबन 2:45 हो गए हैं और ये इस टाउन में आके हमें जो है वो थोड़ी बहुत हरियाली नज़र आ रही है, वरना सारे के सारे पहाड़ इसी तरह के थे। और ये कोई छोटा सा गाँव था जिसके ऊपर कोई नाम पता नहीं लिखा था, और हम भी इस रास्ते से तकरीबन अनजान ही हैं, तो चलते जा रहे हैं फिर जो नज़र आ रहा है वो आपको दिखाते हुए। ये खड़ी की हमने साइकिल, और आज तक सिर्फ देखा था नाक पहने हुए, आपने भी सुना होगा ज़रूर और देखा भी होगा, और आज हम आपको दिखा रहे हैं उन पहाड़ों में से एक पहाड़ जिनसे वो नाक निकलते हैं, और इस बारे में हमें बताया ये वाले भाइयों ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र दुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, सही नज़र आता है इसमें से दूर वाला? दिखाओ ज़रा यार, कैम से तो बैलेंस नहीं हो रहा, अपनी आंखों से देख लेते हैं, सही क्लियर नज़र आता, सही कह रहे हैं आप। और यहाँ से निकलते हैं पत्थर वो माशाल्लाह, पर क्या देखें कितनी रिस्की जगह है, वो नीचे भी गारे बनी हुई है, ऊपर भी ऊपर काम चलता जा रहा है, लेकिन नीचे दरिया अल्लाह अकबर डायरेक्ट ही है। और यहाँ से जो पत्थर निकलता है उनको सिर्फ पत्थर ही नहीं समझे, भाई ने एक पत्थर पहना हुआ हमें दिखाया, दिखाएं भाई कौन सा? ये बेहरूश है, बेहरूश। और इसकी कीमत तकरीबन इसकी 50-60 हज़ार इतने से पत्थर का, अल्लाह अकबर, यानी ये तकरीबन डायमंड को टच कर रहा है। रेस्ट और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, अब निकलते हैं सफर पे। ओके भाई जन, सलाम अलैकुम। और जाते जाते हमारे रास्ते में ये है यादगार शहदा, काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस रोड की तामीर में लोगों ने। वी गॉट टुडे अनदर, हाउ आर यू?
Fine. How's travel going on? Everything good. Alhamdulillah. How's Pakistan? Very nice, my friend. Say something about Pakistan. Pakistan zindabad. Zindabad. और यहाँ हो रही है बारिश, सिर्फ पहाड़ के इतने इतने हिस्से में। बहुत ही खूबसूरत सा चश्मा, पहाड़ एक साइड से कट चुका है और लगातार ही पानी आ रहा है। खैर हमें यहाँ से गुजरना, वो वहाँ पे काफ़ी डीप पानी भी है, ये ना हो कोई गाड़ी आ जाए। एक और खूबसूरत सी वाटरफॉल दरिया सिंध के पानी में इजाफा करती हुई। दरिया देखें और उसके ऊपर वादी देखें, माशाल्लाह। और रहने वालों की हिम्मत को सलाम। और वो उस तरफ जाने वालों के लिए बना हुआ स्पेशल ओवर ब्रिज। और ये देखें जी बिजली बनाने का सिस्टम, वो ऊपर पानी स्टोर करके वहाँ से नीचे फेंकते हैं और इस कमरे में चलती है टरबाइन जो कि बिजली प्रोवाइड करती है वो सामने वाले गांव को। अब इतनी इतनी मिट्टी जाए दरिया सिंध में तो दरिया सिंध का रंग तो ये होना ही है। फिर आसमान देखें, अभी तो सवेरा हुआ है, अंधेरा और थकावट दोनों एक साथ हो गए। और यहाँ पर है बिशु FWO कैंप थोड़ा आगे, तो मुझे लग रहा है कि हमारा आज का ठिकाना वही होने वाला है। मगर अब देखते हैं, कोशिश करेंगे। यहाँ से आगे दामोदास जो है थोड़े ही आगे, तो अगर तो वहाँ पहुँच गए तो वो, नहीं तो फिर ये तो कहीं भी नहीं गया ना। ऊपर वाला पहाड़ सारा स्लाइड वाला है, इसलिए स्लाइड से बचने के लिए ये वाले इंतज़ाम जो है वो किए जा रहे हैं, यानी एक हैवी दीवार बना दी जाएगी यहाँ पर ताकि पहाड़ को थोड़ा सा जो है वो रोका जा सके। वैसे तो ये दीवारें कुछ नहीं कर सकती उसका, लेकिन फिर भी एहतियातन। वो आया सामने एक शहर नज़र और सांस में सांस आई है क्योंकि सूरज ढल चुका है और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाली है। अस्तक नाम है इलाके का और आज हम यहीं पे पड़ाव डालने वाले हैं क्योंकि अंधेरे में पहाड़ी इलाके में साइकिल बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। वैसे हम थक भी गए हैं टू बी ऑनेस्ट। तो ये है जी अस्तक का स्टार्ट और हम जाके अब ढूंढते हैं रूम और सोते हैं। नज़ारा देखें, सुभान अल्लाह।